हेलो डी एच स्टूडेंट्स बेटा वी विल स्टडी नाउ चैप्टर नंबर ट्वेल्व एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर बेटा थ्री क्या बेटा एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज फोर्टीन ए माइनस थ्री बी प्लस ट्वेल्व सी इफ द टू साइड ऑफ द ट्राएंगल्स आर फोर ए प्लस सिक्स बी माइनस एट थ्री ए माइनस फाइव ई प्लस इलेवन सी फाइंड द थर्ड साइड हमें बेटा इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करा बेटा लेट इफ ये कोई ट्रेंगल है बेटा इस ट्रेंगल के लिए ये इसकी साइडेड होगी वन साइड ये इसकी अदर साइड होगी हमें फाइंड आउट करनी है इसका पैरामीटर ट्रेंगल का दिया हुआ है बेटा वी नाव दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए पॉलीगन टोटल यदि किसी पोलीगन का कोई भी पोलीगन है उसमें जितनी भी साइड उनका यदि हम सम करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा ऑल पैरामीटर्स के ही किसी भी टोटल ऑल साइड का सम होगा पैरामीटर के इक्वल तो इसमें कितनी साइडेड है थ्री तो जब हमें थ्री साइडेड है तो इन दोनों का सम यदि करके हम इस पैरामीटर तीनों साइड में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा ये थर्ड साइड आ जाएगी तो ए बी बी सी सी तीनों साइड का सम बराबर पैरामीटर के बराबर है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इफ़ ए बी और बी सी इन दोनों को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया जब हम इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये पैरामीटर में से माइनस हो जाएंगे तो हमें सी ए साइड आ जाएगी तो मैंने ये पैरामीटर लिख दिया अब ये ए बी प्लस बी सी पहले हम इनका सम करते हैं ये दोनों साइड दी हुई हैं इन्हें बाय कोलॉमन मेथड से लिख लिया ये प्लस के इलेवन है ये माइनस के एट है तो प्लस के थ्री सी बच जाएंगे प्लस सिक्स और माइनस फाइव है तो बी रह जाएगा फोर और थ्री सेवन क्योंकि तो हम इनका बेटा सम कर रहे हैं जब हमने इनका सम किया तो ए बी प्लस बी सी का रिजल्ट क्या है सेवन ए प्लस बी प्लस थ्री सी तो अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी क्योंकि हमें पी से इस पैरामीटर में से इसे माइनस करना है माइनस से इसके साइन चेंजेस हो जाएंगे तीनों क्वांटिटी प्लस की है तो तीनों रिजल्टेंट क्या आ जाएंगे माइनस के आ जाएंगे अब लाइक टर्म देखते हैं ये फोर्टीन है ये सेवन है इसमें से इसे माइनस करा तो कितना आ गया सेवन है थ्री बी बी ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी तो थ्री एयर वन फोर फोर बी हो जाएंगे ये ट्वेल्व सी है ये थ्री है ट्वेल्व में से थ्री लेस देन करेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है तो कंपेरिजन करेंगे पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है कितनी है नाइन तो प्लस के नाइन सी आ गए तो ये इसके लिए आंसर आ जाएगा नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर यदि हम फोर देखें तो इस बार हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये टू दो एल्जैबिक एक्सप्रेशन दिए इनका सम में से हमें क्या सब करना है इन दोनों का सम को सब्टैक्ट करना है तो यहाँ पे भी हमें दो एल एक्सपेंशन दिए हुए पहले हम इन दोनों को सम करेंगे फिर हम इन दोनों वाले एल जैब्रिक्शन का सम करेंगे और फिर इन दोनों के सम में से जो बाद वाले रिजल्ट एल जेब्रिक वाले उनका सम करके उन्हें माइनस कर देंगे तो हमने ऐसे ही किया बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर के लिए हमने इलेवन पी नाइन क्यू माइनस सेवन आर और माइनस सेवन पी माइनस ट्वेल्व क्यू प्लस एट आर का सम किया ये माइनस के हैं प्लस के हैं तो क्वांटिटी में जब ऑब्जर्व करें तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है प्लस की आ रहेगी ये प्लस के नाइन है माइनस के ट्वेल्व है लाइक अरेंज अरेंज द लाइक ऑफ ट्रम्स तो माइनस की वैल्यू है माइनस के ट्वेल्व प्लस से कंपेरिजन में माइनस वैल्यू ज़्यादा है तो बेटा माइनस के कितना आ जाएंगे थ्री क्यों आ जाएंगे ये पॉजिटिव एलेवीन है ये माइनस के सेवन है तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी ज़्यादा है फोर तो फोर पर आ जाएंगे तो ये तो इनका सम आ गया फिर अदर वाले का सम करते हैं इसी तरह से जब हमने इनका सम किया तो माइनस है ये प्लस है तो माइनस के आ रह जाएंगे ये प्लस के फोर्टीन है ये माइनस के तो प्लस के थर्टीन रह जाएंगे सिक्स और फिफ्टीन ट्वेंटी वन पी आ जाएंगे अब क्वेश्चन में क्या कहा था इनके साम में से इसको माइनस करना है तो ऑलरेडी पहले अपने इसे लिखा फिर इसे लिख दिया और जब सब्टशन करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया ये भी प्लस के थे बेटा तो ये भी माइनस के हो गए ये क्वांटिटी माइनस की है तो ये प्लस की होगी अब ये कंपेरिजन करें ये प्लस प्लस है तो टू आर गए ये माइनस है ये भी माइनस है थर्टीन और थ्री सिक्सटीन गए तो माइनस के सिक्सटीन की होगी ये माइनस के हैं ये लेकिन ये प्लस के हैं तो क्वांटिटी किसके हैं माइनस के जाए तो माइनस के आ जाएंगे तो माइनस सेवनटीन पी आ जाएंगे तो इसके लिए बेटा ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद